Alright, what's up you guys, you are watching Zillocity, and in today's video, I'm going to be sharing with you a very easy to follow and very detailed blueprint of how a teenager, how you as a teenager can stay on track with your goddamn protein, and you can also eat your healthy meals, stay on track for your weight loss, fat loss, jo bhi aapka goal hai, muscle gain, whatever it is, you will be able to stick with it easily. And that's why I'm doing this video, so that it is an easy way for you to have a look and then aap apne hisab se you can set your diet plan. Kyunki mujhe bahut logon ne ye pucha tha ki sir, how can we set our diet plan, eat budget friendly options, kyunki log ye misconception mein hote hai ki dieting matlab are baap re bahut paise lagne wale hai, which is not the case. ट्रस्ट मी, आगे आप जो देखोगे वो एक व्लॉग के तरीके में मैंने सुबह से शाम बताया कि मैं क्या क्या खाता हूँ. उसमें मैं मैक्सिमम आपको ट्राई करूंगा कि बजट फ्रेंडली ऑप्शंस भी शेयर करूँ. सो हार्डली दिन भर का डाइट जो है ये डन विद इन 150-200 रुपीज़. सो दिन भर के 150-200 रुपए के टोटल राशन मिला के आपका हो जाएगा. दिस इज समथिंग दैट आई हैव बिन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दिस इज वॉट आई वॉज डूइंग व्हेन आई वाज इन पुणे लिविंग अलोन एंड नाउ स्टिल आई स्टिल फॉलो द एग्जैक्ट सेम ब्लूप्रिंट बिकॉज इट सूट्स मी, इट सूट्स माई बॉडी. सो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये शायद गोइंग फॉरवर्ड आपके लिए ये एग्जैक्ट सेम प्लान शायद काम ना करे. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट न्यूट्रिशन इज हाईली पर्सनलाइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किसी को ये सूट करेगा, किसी नहीं, ठीक है. सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, कम ऑन. ऑलराइट, एंजॉय द व्लॉग नाउ. सो पहला मील, आई एम गोना बी यूजिंग प्लांट टॉर्क का प्लांट प्रोटीन. This is not a paid promotion, ठीक है, this is my friend's brand. So plant talk, जो plant protein है, this is 100% plant based product. So आप vegan हो या नहीं हो, you can just use it. मैं कौन सा vegan हूँ, मैं फिर भी use करता हूँ because I like the taste. And this is actually a very great product. You can just head over to the link in the description and you'll get your hands on the plant talk proteins. Okay? So मैं ये use करने वाला हूँ. And you see the guava, I love guavas. And banana तो आप देख ही रहे हो इधर पीछे. I love banana, I love guava, I love fruits in general. So first thing in the morning, मैं prefer करता हूँ कि मेरे breakfast के साथ fruits हो काफी सारे. मैं सारे meals का calorie breakdown भी आपको side by side देते रहूँगा, ठीक है. So आपको confused नहीं होगा कोई भी point of time पे, you will not feel confused, okay? Smoothie के लिए I'm gonna take one scoop of plant talk protein. उसके साथ में I'm gonna add some peanut butter. जो मैं यूज करता हूँ ये प्रमोशन नहीं है, ये मैं लिटरली बस आपको बता रहा हूँ कि मैं कौन सी चीजें यूज करता हूँ, ठीक है. सो दिस इज द माई फिटनेस का क्रंची पीनट बटर एंड आई थिंक दिस 2.5 केजी कॉस्ट मी 1000 रुपीज. सो एक साथ अगर आप ले लो तो 2.5 केजी 2.5 किलो आपको आराम से बहुत टाइम तक चलेगा. मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ से चल रहा है. पानी यहाँ पे है, थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं. एक लेवल स्कूप तकरीबन आ गया हमारे पास और हम ये ऐड करते हैं. सो एक टेबलस्पून के आसपास, ये अगर आप चेक करो तो सम अराउंड 15 ग्राम्स के आसपास आएगा, मुझे पता है विद एस्टिमेशन. दिस अराउंड 13 टू 15 ग्राम्स. नेवर पुट द सेम स्पून बैक इनटू द जार. सम पीपल जस्ट डोंट अंडरस्टैंड. दिस इज माय फुल ब्रेकफास्ट मील. इफ यू कैन सी, ये पूरे प्लेट में देयर इज अ प्रॉपर मिक्स ऑफ प्रोटीन, द गॉडडैम प्रोटीन, एंड देन दिस पीनट बटर फॉर द गॉडडैम प्रोटीन अगेन. थोड़ा बहुत हेल्दी फैट्स भी आ जाते हैं हमारे पीनट बटर में. एंड देन दिस मसाला, ओट्स, द ग्रेन्स, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रूट्स. सी अ बिग फ्रूट प्लेट. सो दिस इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर योर मील एज वेल. कोई भी एक फ्रूट चूज करो, जैसे एप्पल, गुआवा, बनाना. टेक अ बिग फ्रूट, क्योंकि फ्रूट ऐसी चीज है जिसमें आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और आपको साथ में उसके फाइबर भी मिलेगा बहुत ज्यादा, एंड यू विल बी फुल फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो ब्रेकफास्ट शुड बी फिलिंग, राइट. सो ऐसा मील चूज करो जैसे अब ओट्स है. ओट्स इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट. सो बेसिकली क्या है, आप खाओगे आपको 3-4 घंटे तक ज़्यादा भूख नहीं लगेगी. सो दिस इज अ परफेक्ट इंक्लूजन टू योर मील. अब इसमें थोड़ा सा मैंने वेजीज भी डाले, जो कि मटर वटर जो है वो भी है, बट इट्स जस्ट फॉर टेस्ट थोड़ा सा, राइट. एंड ये जो है, दिस इज एज आई टोल्ड, प्लांट प्रोटीन यूज़ किया मैंने 1 स्कूप और इसमें है पीनट बटर 1 टेबल स्पून. सो टोटल आपको यहाँ पे कैलोरीज, जैसे आपको ब्रेक डाउन दिख जाएगी इधर, 40 ग्राम्स प्रोटीन आने वाला है, 24.825 ग्राम्स ऑफ फैट एंड 77 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विद 11.5 ग्राम्स ऑफ फाइबर. अब इसमें यू कैन मॉडिफाई द क्वांटिटीज ऑफ पीनट बटर एंड फ्रूट अकॉर्डिंग टू योर कैलोरी गोल्स. जैसे मैंने आपको बताया था, यू कैन सी द हाउ टू काउंट कैलोरीज वाला वीडियो आई हैव पोस्टेड ऑन माय चैनल. सो लिंक में भी आपको मिल जाएगा, गो चेक इट आउट. एंड ये जो है एक आपको ब्लूप्रिंट है, वो आप अपने हिसाब से अपने हाउ टू काउंट कैलोरीज में आप आपके कैलोरीज और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के हिसाब से आप अपना गोल के हिसाब से सेट कर लो, एंड दिस इज लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर यू, ठीक है. अब जैसे मैंने बताया था, इसके जगह पे इंस्टेड ऑफ द प्लांट प्रोटीन पाउडर या फिर वे प्रोटीन पाउडर, यू कैन टेक सोया मिल्क 1 ग्लास या फिर 1 ग्लास आप रेगुलर टोंड मिल्क ले सकते हो, स्किम मिल्क ले सकते हो. आपको कैलोरीज और कम करनी है तो plenty of options, right? So you don't have to go for a plant protein or a whey protein and spend more money. अगर आपको बजट में, रिस्ट्रिक्टेड बजट पे हो,
then definitely just go for plain milk. अगर आप buy कर सकते हो, so buy any protein in bulk, any good genuine product. अगर आप bulk में लोगे तो आपको सस्ते में मिल जाएगा. Okay? So this is my breakfast and I'm just gonna hog it and I'm gonna see you in the lunch. So it's 3 p.m. and I'm gonna have my lunch now. So lunch के लिए बहुत ही special चीज बनी है, मेरी favorite. I'll show you just right now. This is आलू मटर की सब्जी. It's my favorite. बॉइल्ड एग करी. तीन अंडे मैं खाने वाला हूँ, दो अंडे श्वेता के लिए रखे. एंड ये है मेरा राइस जो मैं लेने वाला हूँ. अभी आपको बताऊंगा क्या पोर्शन है. सो अब जैसे मैं सबको पता ही है कि बॉइल्ड एग्स आर अ वेरी चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन. बहुत ही सस्ते में आपको 6-8 रुपए में एक अंडा मिल जाएगा मैक्स टू मैक्स. तीन अंडे खाओगे 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा विद लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. योक नहीं फेंकना है. This is a big statutory warning to all of you. Disclaimer: योग फेंकोगे, चपेट खाओगे जिलोसिटी के हाथ से. Control. मजाक कर रहा हूँ. मैं आपको बताऊँ कि egg yolks are very nutrient dense, very rich in protein, healthy fats. So ये सारी चीज़ें जो है आपके vitamins, minerals होते हैं, zinc होता है, vitamin B12 होता है, vitamin A होता है. क्यों फेंकते हो योग यार, समझ नहीं आता. क्यों फेंकते हो साला, कतई बर्बाद करते हो पैसा माँ बाप का. मत फेंका करो, ठीक है. कोई गुरु आपको बोलता है कि egg yolks मत खाओ, उसको चपेट मार दो, जिलोसिटी चपेट उसको ऐसे पाच करके. मजाक कर रहा हूँ. आप अगर फैट लॉस के गोल पे हो ना, तो मेक श्योर कि आप आलू के जगह पे कोई ज़्यादा वेजीज खाओ जो स्टार्ची कम हो. बट अब उसके जगह पे आप ऐसा कर सकते हो कि भिंडी की सब्जी, जो भी घर पे सब्जी बनी हो, जस्ट मेक श्योर कि आप ऑयल थोड़ा कम यूज़ कर रहे हो. कई बार हम ढोंडा काया खाते हैं, कुंदरू जो हम कहते हैं यहाँ पे साउथ में, ढोंडा काया कहते हैं उसको. कभी भिंडी की सब्जी, कभी बीन्स और गाजर की सब्जी. एनी सब्जी दैट यू मेक एट होम, हैव दैट. ओके, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू हैव इट. एंड राइस का पोर्शन भी हैव इट एज पर योर कैलरी इनटेक. बट मैं आपको मेरा कैलरी, मेरे इनटेक के हिसाब से बताने वाला हूँ, ठीक है. ऑलराइट, एज यू कैन सी हियर, दिस इज 240 ग्राम्स ऑफ वाइट बासमती राइस. दिस इज लॉट्स ऑफ सब्जी, तो घर में जो भी सब्जी है टेक दैट. दिस इज 3 एग्स वाला बॉइल्ड एग करी. एंड ये एक पूरा खीरा है जो मैं काटा है मैंने. एक खीरा तो मिनिमम हम एक मील में खाते ही है. सो दिस इज माई फुल मील एंड दिस इज द कैलरी इनटेक इज हियर. अभी मैं मुंह पे तो आपको बता नहीं सकता एग्जैक्टली, बट कैलरी इनटेक यहाँ पे डाल दूंगा इधर साइड में. अब एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया हो, माई लंच इज वेरी हैवी ऑन द कार्ब्स, क्योंकि शाम को मेरा वर्कआउट होने वाला है. अभी 3 बजे सो खाना खाऊंगा एंड देन 5 बजे मेरा होने वाला है वर्कआउट. सो आई मेक श्योर कि माई कार्ब्स, मोस्ट ऑफ माई कार्ब्स आर बिफोर माई वर्कआउट. एबल टू लिफ्ट हैवियर एंड दैट्स हाउ आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दी स्मॉल मसल्स टू मेक देम बिग. सो दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी. बट अगर आपका भी ऐसा है कि आप शाम में वर्कआउट करते हो, तो मेक श्योर कि आप उस टाइम पे कार्ब्स अच्छी क्वांटिटी में खा रहे हो, ठीक है. बिकॉज कार्ब्स से ही आपका मसल ग्लाइकोजन फिलअप होगा, उसी से आपका वर्कआउट्स बेटर होने वाले हैं, राइट. सो अगर आप वेट लिफ्टिंग पे फोकस कर रहे हो, मसल बिल्डिंग पे फोकस करना चाहते हो, तो यू कैन प्लेस योर कार्ब्स बिफोर योर वर्कआउट एंड इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर ओवरऑल गोल, राइट. सो दिस इज माई मील एंड सी यू फॉर स्नैक आफ्टर माई वर्कआउट. थोड़े से स्निपेट्स दिखा देता हूँ अपने वर्कआउट के मैं क्या करता हूँ. ऑलराइट, सो यू विल सी मी इन द नेक्स्ट मील. ऑलराइट, सो इट इज 5:30 PM. सो वी आर गोइंग टू द जिम एंड माई ब्यूटिफुल लेडी हियर मिस श्वेता कटारिया, she is also coming with me after a long time. इसमें नहीं आ रही थी और अब ये मेरे साथ वापस आने लगी है because I insisted her कि it's important to build those muscles, क्योंकि हम दोनों से छोटे मोटे चुई मुई पतले से है, तो we want to gain weight. and अगर आप भी ऐसे हो जो वेट गेन करना चाहते हो, and if you want to gain muscle, then it's important to go to the gym and lift your goddamn weights. आपको मैं बताऊंगा जिम के कुछ snippets and उसके बाद आप देखोगे मेरा स्नैक मील. Alright, so workout is done, घर आके freshen up is done, अब it's post workout time. मैं आपको दिखाता हूँ, it is inspired from one of the most loved and one of the best fitness influencers in India. और मैंने उनका एक what I eat in a day देखा था, full day of eating. उसमें he was eating this wonderful thing and I thought okay, let's take that inspiration and try it for the first time in the vlog in front of everyone. So you know what it is, Saket Gokhale's favorite. Cinnamon, banana and oats. Yo, this is what it is and I drizzled some honey on top as well. I love cinnamon powder. I usually have it with the chai and toast etc. But ye main pehli baar try kar raha hu with banana and oats. Alright, so I'm gonna try it. Kaisa lagta hai ye? Good.
actually good, dude. Wanna try, baby? No. I don't like bananas. You don't like oats. You don't like banana. You don't like cinnamon. You don't like honey. I don't like you. Officially, this is a beautiful, beautiful post-workout snack for me. I love it. बस ओट्स अभी थोड़ी गर्म है, अभी कुक की है, मुझे जल्दी भूख लग रही थी इसलिए मैं खा रहा हूँ, बट अगर जब ठंडे हो जाए ना तो वाह वाह चाह के दो खुली भैया हैट रहा हूँ, आज के गेंस भी दिखाई दे रहे हैं, वाह 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 वाह। ऑलराइट, सो अब ब्रेकडाउन मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट यहाँ पे टोटल कैलोरीज और मैक्रोज डाल देंगी। ओट्स है तकरीबन 50 ग्राम्स के आसपास जिसको मैंने बॉइल किया पानी में डाल के, सो रॉ वेट ऑफ 50 ग्राम्स। एक बनाना था तो तकरीबन 100 टू 120 कैलोरीज उसमें आएगी। सिनेमन पाउडर नो कैलोरीज एंड मैंने ऐड किया है स्वीटनेस के लिए हनी, सो हनी आई हैव एडेड समवेयर अराउंड 2 टीस्पून्स। सो उसका पूरा ब्रेकडाउन आप यहाँ देख सकते हो। दिस इज सुपर्ब वेरी फिलिंग स्नैक बिकॉज ऑफ द ओट्स ऑब्वियसली एंड आई लव ओट्स, सो मैंने सुबह भी ओट्स खाया, अभी भी ओट्स खा रहा हूँ बिकॉज आई फ्रिकिंग लव इट। यू कैन इवन एड एप्पल्स इफ यू वॉन्ट, दिस इज लाइक अ परफेक्ट स्नैक फॉर बल्किंग। हाई कार्ब, हाई फाइबर, superb, superb. If your goal is to bulk up and gain muscle, then this is a superb thing. Even if your goal is weight loss, you can just make sure your calories are controlled and you have this. Simple. ज़्यादा माथा बच्ची नहीं करने का, वेट गेन करना है कैलरीज ज़्यादा खाओ, वेट लॉस करना है कैलरीज कम खाओ, सिंपल यार, खत्म करो। कोई डिटॉक्स प्लान, कोई वेट लॉस एक्सट्रीम प्लान करने की जरूरत नहीं। सिंपल जो खाते हो घर का खाना उसी को बस प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ और कैलरीज अपने हिसाब से कंट्रोल करो। इट्स दैट सिंपल डूड। आई एम जस्ट गोना हैव दिस, आई विल शो यू माय डिनर व्हेन आई हैव इट। ऑलराइट द फ्रेंड्स, वी आर हियर फॉर डिनर, इट इज द डिनर टाइम एंड इफ यू सी दिस प्लेट, वाह वाह वाह, इतनी बड़ी प्लेट भर के मेरा डिनर। एज आई टोल्ड इन माई लंच, खीरा जो हम हमेशा खाते हैं और कभी कभी ये ज्यादा नहीं खाती है तो मैं खा लेता हूँ, नो फूड वेस्ट। सो डिनर जैसे ही मेरा लंच था, जो एग करी वाला पोर्शन था उसके जगह पे चिकन करी आ गई है। सो दिस इज समवेयर अराउंड 220 ग्राम्स ऑफ चिकन, रफली 220 ग्राम्स ऑफ चिकन के पीसेस है, अब मुझे देख के पता चल जाता है। और करी का वेट मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बेसिकली जो वेट है वो पीसेस का वेट है, ठीक है। ये है समवेयर अराउंड 220-240 ग्राम्स ऑफ राइस जैसे लंच में था एंड दिस इज द सेम पोर्शन ऑफ आलू मटर जो मैं खा रहा हूँ। ओके, सो इसके जगह पे कुछ और सब्जी भी होती है कभी, जैसे भिंडी की सब्जी, कभी कुछ और सब्जी, और यहाँ पे जो खीरा जैसा मैंने बताया था। सो दिस इज हाउ माई प्लेट यूजली इज। कार्ब्स कैन डिफर इफ आई एम इन अ कैलोरी डेफिसिट, तो आई ईट लेस, करंटली आई एम इन अ सरप्लस, आई एम ईटिंग मोर। एंड दिस इज माई डॉगो वॉन्टिंग फूड, इसको खाना खिला दिया है बट इसको और चाहिए क्योंकि चिकन है इधर एंड इसके टेस्ट बट देख के आप एक्टिवेट हो चुके हैं पूरी तरह अभी। कुछ चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली चिकन इसके जगह पे आप सोया चंक्स भी ले सकते हो, जैसे सोया चंक्स की ग्रेवी बना के या फिर सोया चंक्स की करी बना के भी खा सकते हो आप। स्पेशली अगर आप बजट पे हो तो सोया चंक्स इज वेरी बजट फ्रेंडली ऑप्शन। एक्चुअली ना चिकन आप देखो 200 रुपए किलो में आपको चिकन मिलता है, तो अगर उसके एक किलो के अगर आप चार पोर्शन करोगे तो आपको कितने पड़ेगा, 50 रुपए पर पोर्शन, राइट। तो तकरीबन अगर ये है भी मेरे 250 ग्राम ऑफ चिकन, दिस इज लाइक 50 रुपीज फॉर वन पोर्शन, राइट। तो हम यूजली 400 ग्राम चिकन एक बार में बनाते हैं, शी इट्स 150 ग्राम लगभग, और मैं 250 ग्राम के आसपास में खाता हूँ। कीप इट एज एन एस्टिमेट कि अगर आप इनकेस इवन अगर 150 ग्राम ऑफ चिकन लेते हो उसमें से आपको एटलीस्ट 30 ग्राम प्रोटीन तो आ ही जाएगा। 100 ग्राम बोन्स वाला होगा तो उसमें आपको समवेयर अराउंड 20 ग्राम के आसपास होगा, तो इसलिए आप 150 का 30 भी पकड़ के चलोगे, बोनलेस नहीं लोगे क्योंकि बोनलेस महंगा होगा। आप बजट पे हो सो आप महंगी चीज क्यों लोगे, सस्ती में जो मिल रहा है रेगुलर चिकन 200-250 के अंदर मिल जाएगा, स्किनलेस चिकन आपको, राइट। सो उसमें से इवन इफ यू आर ईटिंग 150 और 200 ग्राम्स वाला पोर्शन, हार्डली 40-50 रुपीज पर पोर्शन, राइट। सो इट इज अ गुड थिंग ऑन अ बजट, स्पेशली व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन पुणे, व्हेन आई वाज स्टेइंग इन पुणे, सो उस टाइम पे भी मैं यही करता था कि मैं 200-200 ग्राम के चिकन के अलग अलग पैकेट्स बना के रखता था, अलग अलग बॉक्सेस में रखता था मैं फ्रीजर में, और जब खाना होता था सीधे निकाल के मैं करी बना देता था। इट्स वेरी सिंपल, अनियन टोमेटो वाली करी बनती है वो तो सब जैसे जो ट्रेडिशनली इंडियन हाउस होल्ड में बनता है वैसे ही, कुछ ज्यादा फैंसी नहीं करना आपको डाइट में, दिस इज लिटरली जस्ट घर का खाना। एंड मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप मेरा इंस्टाग्राम देख सकते हो, हियर इज माय इंस्टाग्राम, यू कैन गो चेक इट आउट, एंड दिस इज द वे आई ईट। लाइक श्वेता नोज मी फॉर ऑलमोस्ट 2 years, डू आई मेक शिट अप फॉर यूट्यूब, दिस इज द रेगुलर इंडियन घर का खाना दैट वी यूजली हैव। ऐसा नहीं है कि आपको अगर फैट लॉस करना है या मसल गेन करना है तो आपको एक अलग स्पेशल तरीके का डाइट पे जाना पड़ेगा, जस्ट इंक्रीज योर वेजीज पोर्शन, इंक्रीज मोर फ्रूट्स, कार्ब्स को थोड़ा माइंडफुली खाओ, फैट्स को भी थोड़ा माइंडफुली खाओ, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो, यू वुड सी द रिजल्ट नो मैटर व्हाट गोल यू आर ऑन। मेक योर डाइट एपेटाइजिंग, मेक योर डाइट सस्टेनेबल,
एंड अगर आपका डाइट सस्टेनेबल नहीं है, अगर आपका डाइट टेस्टी नहीं है, सो यू वोंट फील लाइक स्टिकिंग टू इट इन द लॉन्ग रन, राइट? सो मेक इट टेस्टी, मेक इट वर्क. पूरा कैलोरीज का ब्रेकडाउन आपको यहाँ दिख रहा है, अभी मेरे को मुंह पे सब याद नहीं है, बट एनीवे आई विल जस्ट पुट इट आउट हियर सो दैट इट्स कन्वीनियंट फॉर यू. यू कैन जस्ट ऑल्टर योर कैलोरीज एज पर योर प्रेफरेंस, ठीक है? अब ये मैंने जो बताया एक ब्लू प्रिंट है, आप इसको डायरेक्टली फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा. मे बी येस, मे बी नो, बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट, राइट? अब मेरा जो डाइट है एग्जैक्ट, अगर श्वेता को करना है फैट लॉस के लिए, विल शी लूज फैट ऑन दिस? नो, बिकॉज इट्स वे टू मेनी कैलोरीज. आई ईट लाइक 3K कैलोरीज एंड हर मेंटेनेंस इज समवेयर अराउंड 2000 कैलोरीज. शी इज डेफिनेटली गोना गेन लॉट ऑफ फैट, राइट? सो हर एक बंदे के लिए, हर एक बंदी के लिए एक ही डाइट काम नहीं करता है. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक इट, देन यू नो व्हाट टू डू, हिट दिस लाइक बटन डाउन देयर, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, जिम बडीज, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी. बेल आइकन जो है घंटा, उसको भी तंग करके बजा दो, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, एंड आई विल कीप पोस्टिंग मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस फॉर यू. थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग. दिस इज माई इंस्टाग्राम, यू कैन हिट मी अप फॉर माई पर्सनल कोचिंग, वीडियो कंसल्टेशन, और इफ यू जस्ट वॉन्ट सी वॉट आई ईट इन डे, वॉट आई डू इन डे, दिस इज माई इंस्टाग्राम, गो हिट यू, ठीक है? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.